हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन हॉट फूड। फ्रेंड्स, आज हम सिंधी व्यंजन बनाने जा रहे हैं, तो मैंने आज सिंधी कढ़ी बनाई है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये खाने में बड़ी लजीज है और पौष्टिक भी है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां पड़ी होती हैं। तो जो सब्जी नहीं खाता है वो इस तरह से बनाएंगे तो सब्जी भी खा लेगा और कढ़ी का स्वाद भी मिल जाएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए हमें ढेर सारी सब्जियां चाहिए होंगी। अपनी मनपसंद सब्जियां जो आपको पसंद हो वो आप सिंधी कढ़ी में डाल सकते हैं। मैंने बीन्स, ग्वारफली, गाजर, आलू, प्याज, बैंगन आदि इसमें ऐड किया है। सब्जियों को पहले से हम डीप फ्राई कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा देर हम पकाते नहीं हैं, तो पहले से ही इसको फ्राई करके रख लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। अब आलू और गाजर ये थोड़े सख्त होते हैं, इनको मैं पहले से फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो चुके हैं, अब इनको एक अलग बर्तन में निकाल करके रख लूँगी। इसी तरह से अब जो सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ हैं उनको मैं सब एक साथ डाल करके, पहले मैंने भिंडी डाली है, फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें ग्वारफली, बैगन और फिर बीन्स भी इसमें ऐड करूँगी और इसे भी फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से बारी बारी से सब्जियों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। सब्जियों को फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि ये अच्छे से पक जाती हैं और इसमें बेसन अच्छी तरह से लग जाता है, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसको पहले से फ्राई कर लेते हैं। ये सिंध प्रांत की है कढ़ी, तो चलिए इसको भी हम आज टेस्ट करके देखते हैं। जो तेल बचा था उसी में मैंने जीरे और मेथी का तड़का लगा दिया है और थोड़ा प्याज ऐड कर दिया है। मैंने दो प्याज लिया था उसको ऐड कर दिया है और इसी के साथ में कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी। कड़ी पत्ता बिना तो कढ़ी का मज़ा ही नहीं है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज भी जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें कोई और चीज़ ऐड करेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है, अब मैंने लगभग 2 बिग स्पून बेसन का ऐड किया है और इसी तेल में मैं इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। तेल ज़्यादा है तो इसलिए अच्छे से भून जा रहा है और प्याज के साथ भी भून जा रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। बेसन जब भून जाएगा तब मैंने पहले से टमाटर का पेस्ट बना करके रखा है उसको, और उसी में लहसुन भी डाल दिया था मैंने, तो लहसुन और टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करके उसे भी भून लूँगी। देखिए बेसन भून करके तैयार हो गया है, अब लहसुन और टमाटर का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और जब ये भी भुन जाएगा तब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें मीडियम साइज़ की 6 कटोरी पानी ऐड किया है। आपको जैसा गाढ़ा और पतला खाना हो उस अनुसार आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा मसाले डाल लेते हैं। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है और स्वाद अनुसार नमक लिया है और 1 बिग स्पून मैंने सब्जी मसाला ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और एक उबाल आ जाने पर इसमें जो सब्जियों को फ्राई करके रखे थे उन सब्जियों को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, एक उबाल आ चुका है और अब इसमें बारी है फ्राइड सब्जियों को डालने की। जो सब्जियां मैंने पहले से फ्राई कर रखी थी उनको ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे चलाते हुए मैं पकाऊंगी। पक जाने पर हम चेक करेंगे कि आलू और गाजर अच्छे से अगर पक गए होंगे तब समझिए बनकर के तैयार है। और इसमें अब इमली का पानी ऐड कर देंगे। मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी इमली का पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स, सिंधी कढ़ी की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर वॉच करिएगा और शेयर भी करिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।